राहुल साहब ये बताइए कि आप लोग जो बात कर रहे हैं आज के साथ, तो पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को मालूम था कि पार्लियामेंट में क्या हैसियत थी और किस चुनाव की क्या हैसियत, और आप लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। जो आईनी तरीका इख्तियार करना चाहिए था, आज एतमाद दे के आना था एक दो मेंबर्स के ऊपर अभी आप लोग मुस्लिम लीग नून पंजाब में आज पे एतमाद नहीं लेके आना चाह रहे थे, आप लोग यहाँ पे नहीं लेके आना चाह रहे थे। सेनेट के इलेक्शन में आप लोगों ने चेयरमैन के इलेक्शन देकर, आप लोगों ने बिल पास करने के वक्त पे देखा कि कोई जराजा होता है कोई नहीं आता है, तो इस पे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपोजिशन और हुकूमत एक ही पेज पर है। जो कुछ हो रहा है बस आवाम के आंखों में धूल झोंकने के वो कोशिश की जा रही है, बाकी सारे एक ही पेज पर है। बाकी हुकूमत तो मेरे ख्याल में एक ही दिन गिराने की वो थी, और आज इस वक्त जब आप आज में दिमाग लेके आ रहे हैं तो क्या इमरान खान हीरो नहीं बनेगा दो-तरफ मेजॉरिटी के साथ अगले टर्म में नहीं आएगा? अगर मैं आपको बताऊं कि आप के सवालात सुन के तो मुझे ये लगता है कि हम सब अपोजिशन को बस घर ही बैठना चाहिए और ये बस इंतज़ार करना चाहिए कि हुकूमत ये खुद ब खुद गिर जाए। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ईमान ये कहता है कि मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जहाँ तक माजी की बात है, आई थिंक योर फैक्ट्स आर रॉन्ग, कुछ जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, और मियाँ इफ्तिखार साहब हमारे सारे मीटिंग्स में भी PTM के साथ मौजूद थे, मैं शुरू दिन से ले कर आज तक जो मेरा मौक़िफ़ है, जो मेरा पोजीशन है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, उसमें क्लैरिटी है और कंसिस्टेंसी है। मैं एक दिन पीछा नहीं हटा हूँ कि हमें जमहूरी तरीक़ेकार को अपना के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का चैलेंजेस लेकर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस वक्त जब हमने गिलानी साहब को नेशनल असेंबली से जितवाया और हमारा एक लॉन्ग मार्च उस वक्त भी PTM के प्लेटफॉर्म से ऐलान हो चुका था कि अगर वो मार्च टाइम पे इस्लामाबाद पहुँचता, हम उस वक्त भी एक कामयाब अदम एतमाद उन मुश्किल सूरत हाल में ले आ सकते थे। मुख्तलिफ वजूहात है, वो उस वक्त नहीं हो सकता। अब मैं समझता हूँ कि खुशी की बात है कि एटलीस्ट जहाँ तक अपोजिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक पेज पे हैं। अब आगे जाके ये रहता है कि हमने हुकूमत के एलाइज और नाराज अरकीन को उसी पेज पे लेकर आना पड़ेगा। हम इंशाल्लाह ताला अपना पूरा मेहनत करेंगे कि हम इस हुकूमत को टफ टाइम दे सकें। मैं समझता हूँ कि जो जमहूरी सियासत है उसको जारी रहना चाहिए। हमने एक दिन इस हुकूमत को नहीं छोड़ा। अगर इस अवाम को पता है कि इमरान खान सेलेक्टेड है तो वो इसलिए कि हम सियासत और मुखालफत कर रहे हैं। अगर अवाम को पता है कि ये PTIMF डील है, पाकिस्तान की मईशत को सौदा किया गया है, वो इसलिए कि हम उसका मुखालफत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि अवाम का एक्सपेक्टेशंस है अपोजिशन से, और अपोजिशन को उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम करना चाहिए, और उसके लिए हमारा मेहनत जारी है और जारी रहेगा। मगर हमें ये कभी नहीं सोच रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जब बात पक्की हो और हमें पता हो कि अब प्री स्क्रिप्टेड कुछ होने वाला है तो अब हमें काम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी हर मौक़िफ़ पे, हर फोरम पे इस हुकूमत को चैलेंज करते आ रही है, और उम्मीद है कि आगे जाके हम कामयाबी होंगे।